हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे तो ये फ्राइडे ब्लॉग है। मोस्टली क्या होता है, लोग जो है ना यहाँ पे छुट्टी है जो है वीकेंड संडे को है, लेकिन हम लोगों ने लिया हुआ है फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को बिजी रहता है, पब्लिक कम रहती है और कुछ भी करना रहता है, अपना फ्री टर्म होके कर सकते हैं। कभी मैं उठाऊँ सो के आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। ब्रश व्रश करके निकल गया, अभी जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने। यहाँ पे सारे कैंप लगे हुए हैं, वर्कर कैंप है सारे यहाँ पे, एक भी फैमिली नहीं नजर आएगी। 4-5 लाख बंदों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आदमी दिखेंगे आप। इवन मार्केट में जो काउंटर पे बंदे बैठे हुए हैं वो भी बंदे हैं, और कहीं भी कुछ भी है सारे जेंट्स सारे मर्द, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। पूरा एक बहुत सारा बहुत बड़ा विलेज है पूरा अराउंड, ये तो छोटा सा है, यहाँ पे एरिया में है, इसके पीछे बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा है, लेकिन बस देखने जाओगे ना तो कोई नज़र नहीं आने वाला है। एक दो गिन के, और जो शॉपिंग वॉपिंग के लिए कोई आता है फैमिली लेके तो मिल जाते हैं नॉर्मली, और कोई नहीं है अदरवाइज। ये मार्केट है जहाँ से हम लोग कपड़े वपड़े लेते हैं, कुछ भी लेना रहता है, गिफ्ट एक्सेंस। एंट्रेंस 1-10 लिखा हुआ है इस पर, बट ये 1-10 है नहीं, 1-100 से भी ऊपर है, जो चीज़ चाहिए होती है मिल जाती है वहाँ पर जा। लिखा हुआ है मेन गेट पे कि भाई 1-10 आई विल शो यू राइट, ये लिखा हुआ है 1-10, बट ये 1-10 है नहीं, ये 1-500 है। सारी चीज़ें यही है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको कुछ भी चाहिए तो मिल जाती है मार्केट के अंदर, बेस्ट है ये। अभी नाश्ते के लिए निकले हैं, अभी कोई चाहिए साथ, अगर मार्केट में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अकेले करना पड़ेगा। ये व्यूज मार्केट है यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह उठने के बाद बाल साल खराब हो रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस गेट है, वेलकम मफरक सेंटर खुलजा सिंह सिम। खुलजा सिंह सिम वाला डोर नहीं है, लेकिन खुलजा सिंह सिम बनाया हुआ है हम लोगों ने। पावर कोड है, ये नहीं मार्केट एंट्रेंस एरिया है, ये है सुपर मार्केट, यहाँ पे लूलू फूड एरिया जो है वो फर्स्ट 3 सेकेंड वो होते हैं सारे, तो हम लोग पकड़ेंगे ये चले जाएंगे ऊपर। पहले लोग मैं कुछ बिजी थी सीढ़ी बना रहा था ना, लोग देखते थे तो मुझे थोड़ा सा अकॉर्ड लगता था, आज मैं शुरू हूँ आई फील वेरी गुड, बट पीपल बाहर से लोग देख रहे हैं ना वो अकॉर्ड कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा, चलेगी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं गया तो दिन बाल के लिए ना कुछ करवाया था, लेकिन अभी बैंड हो गए, फिर से वापस से मैं उसको दिखाऊंगा, भाई तुमने जो तजुर्बा किया था इस पर वो सक्सेस नहीं हुआ है, 2 दिन में ख़राब हो गए हैं। आई थिंक स्ट्रेट करवाया था ना इस पर, उससे देखना पड़ेगा भाई साहब तुमने कौन सी क्रीम लगाई थी, सूट नहीं थी। अभी मैं नाश्ते के लिए आया हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, ये मार्केट
आज खाएंगे इतने आदमी पैक जो मिलेगा वो कर लेंगे। उसे अपने यहाँ पे ना एक बेस्ट होटल है वो यूपी वाले आप स्टार वहाँ पे, उसकी आलू पूड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट मिलती है उसमें। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या रखा हुआ है कि नहीं। कैसे भाई, आलू पराठा है? आलू पराठा नहीं है खलास? ओके नहीं, सादा पराठा खाने के लिए ऊटी थोड़ी आऊँगा, आलू पराठा के लिए आया था। अब देखते हैं अपने यूपी वाले भैया जो हैं ये क्या बनाए हुए हैं। इनकी पूड़ी सब्जी बड़ी अच्छी होती है, तो ये रहा ये यूपी वाले, यूपी बहुत बेस्ट, मतलब यहाँ पे नया खुला हुआ है अपनी अच्छी। हाँ भाई साहब कैसे हो, पूड़ी सब्जी है रेडी है? दे दीजिए एक प्लेट। लगता है टाइम लगेगा वो पूड़ी तलने के लिए गए हों, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं लगी हुई है सिस्टम में। बड़ा मज़ा आता है यार कभी कभी जाके सिस्टम में बैठ के देखने के लिए। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, वो बुलाएगा तो डीजे बोल जाएगा, जब तक मैं कुछ बातें करता हूँ। मेरी एक आदत पड़ी है, कुछ भी करते रहते तो ऐसे करके बैठ जाते, ये पता नहीं क्या नेक पकड़ के जिस रहते हैं यहाँ पे ना कुछ। आ गई है ये भाई साहब, बोलने जा रहे हैं मैं तो चलो बुला रहा है, मैं जाता हूँ लेके आते हैं भाई साहब। रेडी है? कौन सा मेरा है? जल्दी लग गया हो जल्दी। ये मेरा है? हाँ आपका है, 5000 रुपये मिल जाएंगे। बहुत अच्छा बनाया है, ये नया ओपन किया है ना इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा है, और अगर कंटिन्यू लोग ऐसे ही रखेंगे तो आगे चलेगा बहुत अच्छा। घर पे होता तो बोलते बच्चों वाली आदत यही नहीं। काम जब टेस्ट अच्छा होता तो बंदा पैदा लगी है सबने के, बहुत ही नाइस बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे सारे ना पूरे फ्लोर में होटल ही होटल, हर एक होटल यहाँ पर उसका कुछ नहीं होटल बनाओ, कुछ भी बनाओगे ना लोग आप देखेंगे जरूर, चाहे आप अच्छा करोगे बुरा करेंगे तो साथ साथ दुनिया भूलेगी नहीं, देखती है मतलब। तो आप जो अपने मन में आता है जो चीज़ सही है उसके पीछे कभी डर नहीं किसी से, कहते रहो आगे आपका काम है आप क्या करें, दिन में काम है सोचती देगी अच्छा खेल, आप अच्छा भी करोगे ना तो लोग अच्छा उस हिसाब से आपको जज करेंगे, आप बुरा करोगे तो आप लोग आपको उस हिसाब से जज करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। आप ये सोचो कि आपका पीछा छोड़ते कुछ कहें ना, कहेंगे जरूर। अगर ये ब्लॉग मैं अभी बनाया हूँ यहाँ पर, अगर बेस्ट इस पर रिजल्ट आया अच्छा आया तो हफ्ते में 2 आएगा, और अगर नहीं तो हर वीकेंड पे मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।